में एसपी न्यूज़ स्वागत है आप सभी का। आज की बड़ी खबर में बड़ी खबर की शुरुआत भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत से। राकेश टिकैत जो किसानों के मसीहा हैं और जो लगातार किसानों के समर्थन में बात करते आए हैं, ऐसे में देखा जा रहा है कि राकेश टिकैत ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए राकेश टिकैत ने खुलकर बताया कि ये सरकार केवल किसानों को अत्याचार का सामना करवाती रही है, किसानों पर अत्याचार करती रही है। जो योगी सरकार अब किसानों की हितेशी बनी हुई है, ये सरकार हितेशी नहीं है, बल्कि मौजूदा समय में किसानों पर जो अत्याचार हुआ वो योगी सरकार के रहते ही हुआ है। दरअसल देखा जा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए मुकाबला इस बार बहुत ज्यादा कठिन होता नजर आ रहा है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो पूरा जाट बहुल इलाका है और पूरी तरह से यहाँ पर जाट समुदाय के लोग इस बार योगी आदित्यनाथ से नाराज दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में यही वजह है कि बीजेपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत तो कर चुकी है, लेकिन क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वोटर का दिल जीत पाने में कामयाब होगी, ये तो वक्त तय करेगा। लेकिन ऐसे में देखा जा रहा है कि अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वोटर्स को अपने साथ करना है तो शायद बीजेपी राकेश टिकैत को अपने साथ मिला सकती है, इस तरह की संभावनाएं भी दिखती नजर आ रही है। अब देखना यह होगा कि पार्टी आखिरकार क्या रणनीति बनाती है और क्या बड़े कदम उठाने की बात करती है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।